माइक लगा लेते हैं एक बार ताकि आपको आवाज़ अच्छी आए। आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी। माइक लगा दिया है। ये हमारी दुकान है। सर्दियों में 10:30 बजे तक खुली रहती है, गर्मियों में 11:30 बजे तक खुली रहती है। तो हम लगभग गर्मियों में 12:30-12 बजे तक यहाँ पर होते हैं और सर्दी में लगभग 11:30-11 बजे तक यहाँ पर मिलते हैं। तो मैं जगह एक्सप्लोर करता हूँ, अच्छे अच्छे हरियाली भरे जो अच्छे सीनरी होते हैं वो एक्सप्लोर करता हूँ बढ़िया जगहों को। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं कह सकते, थोड़ा क्या कहें मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक ही टेक में पूरा वीडियो बनेगा ये, ताकि कुछ यूँ बीच का यूँ नहीं लगे कि कुछ फेक बता रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपने पीछे देखा, शमशान का गेट दिखाया हमारे कैमरा मैन ने आपको शायद। उसके बाद में जो वो आपने भैरव जी का मंदिर देखा है, ये मसाणिया भैरव जी है। और वो जो चबूतरा है पीछे की तरफ, वहाँ पर जो लोग बाग मर जाते हैं उनको विश्राम कराते हैं सब, उनको शमशान में ले जाने से पहले, वो जगह। तो ये हमारी दुकान है। आइए आपको आगे का दिखाता हूँ क्या सीन है। तो कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर अफवाह फैली थी कि यहाँ पर भूत है, चुड़ैल दिख गई है। तो चुड़ैल कहाँ पर दिखी, कैसे दिखी, किसको दिखी, वो सब किसको दिखी ये मैं एक्सपोज नहीं करूँगा। किस समाज के हैं, किस समाज के ग्रुप ने इसको बात को फैलाया। हालांकि अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उदयपुर के एक दो चैनल है, न्यूज़ चैनल, उन्होंने इसको एक्सपोज कर दिया है वीडियो को, और वीडियो उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर क्या कुछ है। तो चलते हैं अब आगे। अगर मैं इससे पहले ये वीडियो बनाता तो हो सकता था कि ऐसा लगता कि मैं इसको बढ़ावा दे रहा हूँ इस बात को, तो ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ावा मैं नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं। तो चलते हैं आगे। सिचुएशन आपको जगह बताता हूँ एग्जैक्टली, जो जगह है जिसके बारे में बता रहे हैं कि ये भूतिया जगह है। हम यहाँ पर लगभग 20 साल हो गए हमको, हमारी दुकान को यहाँ पर। तो 20 सालों से हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है कि यहाँ कुछ भूत वगैरह ऐसा कुछ है, कोई चुड़ैल है या ऐसा कुछ है। तो एग्जैक्ट जो स्टोरी है वो ये है कि रात को दो हफ्ते पहले 1-2 बजे कोई इधर से आ रहे थे इस साइड से, और उनको यहाँ पर एग्जैक्टली सामने यहाँ पर चुड़ैल दिखी, और उनकी गाड़ी ब्रेक में गई, एकदम से ब्रेक गियर लग गया और वो गाड़ी पीछे टकरा गई। और फिर वापस वो जब आगे जा रहे थे तो उनको पीछे की साइड उधर दिखा, वहाँ पर वापस से चुड़ैल दिख गई, ऐसा उनका कहना था। और अब वो न्यूज़ जो वीडियो बनाए हैं न्यूज़ वालों ने, उनके सामने भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं वो उनका कारण वही जाने, अपन कुछ नहीं कह सकते इसमें, कुछ कमेंट अपन नहीं कर सकते। उधर पीछे बताओ, पीछे आप ये मंदिर देख रहे हो ना, ये मंदिर में यहाँ पर बिल्कुल इस जगह हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी के मंदिर के पास में अगर आपको लगता है कि हनुमान जी के पास में भी अगर भूत चुड़ैल रहने लग गई, मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी के मंदिर के पास में भूत चुड़ैल होते होंगे। चलो आगे चलते हैं। तो एग्जैक्टली जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आ जाओ कैमरा में, आराम से आना। देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ, ये जो कुआँ है, इस कुएँ का यहाँ पर खड्डा है, मतलब खोद दिया गया है। पीछे की तरफ आओ, इधर भी खोद दिया गया है। तो ये कुआं है ना, इस कुएं के ऊपर लैंटर्न डलने वाला है, और ये जो रोड है ये रोड चौड़ी होने वाली है। तो ये रोड चौड़ी हो जाएगी, उसके बाद काफ़ी जगह हो जाएगी लोगों को आने जाने के लिए। अब हो क्या रहा है कि दोनों तरफ इधर कुआं है, इधर ये खोद रखा है, इस काम को लगभग हो गया है काफ़ी टाइम, ये काम अटका हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर रात को लेट अगर किसी ने पी रखी हो, आ जाओ आगे आ जाओ, गाड़ियों के वहाँ पर मत, अगर किसी ने पी रखी हो तो हो सकता है कि वो उधर से आए, एकदम से ये मिट्टी पड़ी हुई है, खुदा हुआ है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं थूक भी सकते हैं। तो ये सीनेरियो भी हो सकता है। कुएं की तरफ दिखाओ आप, ऊपर कुएं की तरफ ऊपर कचरा दिख रहा होगा आपको काफ़ी सारा। तो ये भी हो सकता है कि हाँ यहाँ पर कचरा वगैरह फैला हुआ है, तो उसके कारण ये हो सकता है कि कचरे की वजह से किसी ने अफवाह फैला दी हो, तो कचरा वगैरह ना फैले और उस तरफ से हो जाए। यहाँ नीचे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर बाबूजी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली ये कौन से बाबूजी बैठे हुए हैं वो मुझे पता नहीं है। तो जहाँ पर बाबूजी बैठे हुए हैं, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भूत चुड़ैल आना ये सब मुझे नहीं लगता, मेरी
मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि यहाँ पर हम 20 साल से रह रहे हैं ना, तो हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ पर ऐसी कुछ भूत भूत प्रेत आत्मा वगैरह होती है। हालांकि मुझे गरुड़ पुराण का थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ज्ञान कह सकते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है कि भूत प्रेत वगैरह क्या होता है, अकाल मृत्यु क्या होती है, आगे जाओ तो उन चीज़ों में मुझे थोड़ा बहुत विश्वास भी है। पर अकाल मृत्यु वो सब आप होता है, सब कुछ होता है, पर मंदिर के पास में, हनुमान जी के मंदिर के पास में ऐसा सब होना मुझे नहीं लगता। तो आपने देख लिया एग्जैक्टली ये जगह, पीछे की तरफ आलोक स्कूल है, आलोक स्कूल से ये रोड आ रहा है और वापस से ये सेक्टर 14 में जा रहा है रोड, और ये सेक्टर 13 का इलाका है, ये सेक्टर 11 का इलाका है, इस रोड के उस तरफ वो सेक्टर 13 है, फिर उस शमशान के आगे सेक्टर 14 आ जाता है। एक ही टेक में पूरा वीडियो बनाया है ताकि कुछ फेक ना लगे, एक तरह से पोस्टमार्टम कर दिया है हमने इस जगह का। ये खुदा हुआ पड़ा है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में भी शायद अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग बाग फिर ये कहेंगे कि भूत आ गया है। तो अगर ये जगह सही हो जाए ना, रोड बन जाए, तो ऐसा कुछ भूत प्रेत तो सब ख़त्म ही हो जाएगा। एक कारण ये भी, आ जाओ, एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो लाइटिंग है उस साइड में, रोड लाइट्स वो इतनी सारी इतनी जली हुई नहीं है, मतलब चालू नहीं है, तो उसकी वजह से अंधेरा भी काफ़ी रहता है। तो और एक इस बात को बढ़ावा मिल गया। कोई नहीं, कैमरामैन चलता है अपने, आ जाओ कैमरामैन। तो यही बात थी, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया होगा, अब हमको भी दुकान, अरे यार कैमरा कौन साफ करता है यार, वीडियो चल रहा है, तो अब हमको भी दुकान बढ़ानी है, लेट तक रहते हैं हम दुकान पर, सर्दियों में 10:30-11 बज जाती है हमको, गर्मी में हमको 11:30 तक आपको सब्जी मिल सकती है, तो दुकान पर भी आप आ सकते हैं। तो यही वीडियो था, लोग बाग भी काफ़ी, ये न्यूज़ में आने के बाद पहले ये अफवाह थी, इधर आओ रोड से इधर आ जाओ, कोई ठोक देगा तो और भूत बदनाम हो जाएगा, तो लगभग न्यूज़ में आने के बाद ये बात ज़्यादा फैल गई है, तो अब बहुत लोग बाग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, वीडियो बना के ले जा रहे हैं ऐसा कुछ। पर एग्जैक्टली हम यहाँ के लोकल है, 20 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसा हमें फ़ील होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ फील होता है, ऐसा कुछ हो सकता है, या बहुत बहुत मिनिमल चांस है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर के पास में आप प्रैक्टिकली सोचो ऐसा कुछ होता हो तो मुझे नहीं लगता। बस ठीक है, तो फिर इतना ही था वीडियो में, आपको मेरी शायद ये फ्लैश की वजह से लाल आंखें दिख रही हो, तो मुझ में कहीं भूत ना दिखने लग जाए आपको, तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय। तो दोस्तों दुकान हमने बढ़ा ली, और ये थे हमारे कैमरामैन, इनको भी कैमरे पे आने की बहुत इच्छा थी कि हमने इतनी मेहनत की और हमको कैमरामैन नहीं ले रहे थे। लो पकड़ो, मुझे दिखाओ, अगर थोड़ा यूं मजाक के अंदाज में वीडियो बनाते हो तो कैसे बनाते हैं। भूत टीवी में आपका स्वागत है, आइए देखते हैं क्या वहाँ पर है चुड़ैल, अंधेरे की अंधेरी रात में क्या दिया है उसके हाथ में। आइए, दूर से देखा तो सफेद बेल नजर आ रहा था, पास जाके देखा तो चुड़ैल नजर आ रहा था। चलो और एक्टिंग हो गई, जब भूत आए नहीं आए, यहाँ चोर बहुत आते हैं इस मंदिर में, सही कह रहा हूँ। एक फोटो ले लेते हैं थंबनेल के लिए, वैसे मुझे व्हाइट कलर मुझे पसंद ही है।